नमस्कार, मैं आपका प्रिय आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ एक नजर मुख्य समाचारों पर डालते हैं। व्यापक खेती और खाद उर्वरक मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता को बनाए रखने में बहुत मददगार, विश्वविद्यालय के सह निदेशक डॉक्टर विवेक ने कहा। उर्वी के मंदिर मेले में मुसलमानों को नहीं है दुकान लगाने की इजाजत। कर्नाटक पुलिस ने शिमोगा बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या की जाँच NIA को सौंपी। आय से अधिक संपत्ति मामला, विशेष अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट खारिज की। कर्नाटक के मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश। मोदी छाप होगी सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट, दिल्ली में आज फिर चल रहा मंथन। अब वन नेशन वन इलेक्शन की बारी, राज्यसभा में गूंजा मुद्दा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। व्यापक खेती और खाद उर्वरक मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता को बनाए रखने में बहुत मददगार हैं, विश्वविद्यालय के सह निदेशक डॉक्टर विवेक कसारा लिक्कारा ने कहा। इसके अलावा उन्हें विश्वास था कि विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने से पशुपालन से अधिक लाभ हो सकता है। वह हाल ही में राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना और कर्नाटक सरकार के तहत पशुधन अनुसंधान और सूचना केंद्र कट्टी तुगनवा बीदर में 2 दिवसीय बीटल खाद उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। मुख्य शोधकर्ता और परियोजना के प्रमुख डॉक्टर कपूर ने कहा, किसानों को इस तरह के प्रशिक्षण और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए और उनका लाभ उठाना चाहिए और उनका उपयोग करना चाहिए। तटीय कर्नाटक में मुस्लिम विक्रेताओं के वार्षिक उत्सवों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने की खबरों के बीच भाजपा के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने कहा कि यह कांग्रेस सरकार थी जिसने मंदिर की संपत्ति को गैर हिंदुओं को पट्टे पर नहीं देने नियम पेश किया था। इसके अलावा बदमाशों द्वारा बेंगलुरु मेट्रो ट्रेनों को चलाने पर पथराव की कई घटनाओं के बाद बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने शहर में मेट्रो के ऊपर और नीचे की रैंप की रक्षा करने वाली कुछ लाइनों के पास ऊंचाई की दीवारों को बढ़ाने का फैसला किया है। कर्नाटक सरकार ने 20 फरवरी को राज्य के शिमोगा शहर में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या की जांच राष्ट्रीय एजेंसी को सौंप दी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि NIA ने जांच सौंपे जाने के बाद बुधवार को नई दिल्ली की एक अदालत में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष नागराज उर्फ हर्ष इंदु की हत्या के मामले में औपचारिक शिकायत दर्ज की। 2 मार्च को कर्नाटक पुलिस ने 21 फरवरी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए 10 लोगों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 की धाराएं लगाई। NIA शिमोगा में जांच करने के लिए गिरफ्तार संदिग्धों की हिरासत की मांग कर सकती है। निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़े आपराधिक मामलों में विशेष रूप से निपटने वाली बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने आवास मंत्री वी सोमन्ना के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दायर एक क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। सोमन्ना के खिलाफ मामले को बंद करने के लिए 29 अक्टूबर 2018 की NCB रिपोर्ट को खारिज करते हुए विशेष अदालत ने एक आपराधिक मामला दर्ज करने और 16 अप्रैल तक अदालत में पेश होने के लिए मंत्री को समन जारी करने का भी आदेश दिया। योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के सीएम की शपथ लेने वाले हैं। इससे पहले भाजपा उनकी कैबिनेट में किसे क्या जगह मिलेगी इस पर मंथन करने में जुटी है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि योगी 2.0 सरकार पर भी पीएम नरेंद्र मोदी की पूरी छाप देखने को मिलेगी। यही वजह है कि यूपी में सरकार गठन को लेकर दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस बीच होम मिनिस्टर अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा, संगठन महामंत्री BL संतोष और राज्य के चुनाव प्रभारी रहे धर्मेंद्र प्रधान की दिल्ली में मीटिंग चल रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ 45 मंत्रियों के साथ शपथ ले सकते हैं। बुधवार को भी योगी आदित्यनाथ ने होम मिनिस्टर अमित शाह और JP नड्डा से मुलाकात की थी। भाजपा के आंतरिक सूत्रों ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की यूपी में सरकार गठन पर नजर है। राज्यसभा में गुरुवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दे उठाए, जिनमें एक राष्ट्र एक चुनाव, ओडिशा में विधान परिषद के गठन, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाने और बेघर बच्चों के पुनर्वास के मुद्दे शामिल हैं। शून्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर DP वत्स ने एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा उठाया और कहा कि 1967 के बाद संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त विधायक दल की सरकारों को कार्यकाल के बीच में ही बर्खास्त किया गया तथा इसके बाद देश में एक राष्ट्र लगातार चुनाव की स्थिति हो गई। अलग अलग समय पर होने वाले चुनाव को देश के संसाधनों पर बड़ा भार बताते हुए वत्स ने कहा, राष्ट्रहित को मद्देनजर रखते हुए मैं सभी राजनीतिक दलों, वह चाहे सरकार में हो या विपक्ष में,
से आग्रह करता हूं कि 10 विषय पर एक आम सहमति बनाएं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बिदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बिदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बिदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बिदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। फोन नंबर 08482228272। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली नगर निगमों के एकीकरण की आड़ में एमसीडी चुनाव टालने को लेकर केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने पूछा है कि क्या इस तरह और गुजरात या फिर लोकसभा के चुनाव भी टाले जा सकते हैं। केजरीवाल ने भाजपा के इस कदम को शहीदों का अपमान बताया है। केजरीवाल ने अपने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि भाजपा का दिल्ली नगर निगम के चुनाव टालना शहीदों का अपमान है, जिन्होंने अंग्रेजों को देश से भगाकर देश में जनतंत्र स्थापित करने के लिए कुर्बानियां दी थी। आज ये हार के डर से दिल्ली नगर निगम के चुनाव टाल रही हैं। कल ये राज्यों और देश के चुनाव टाल देंगे। वीरभूम के रामपुर हाट में 9 लोगों की हत्या के बाद तनाव का माहौल है। वहीं गांव के रहने वाले एक शख्स ने दावा किया है कि घटना वाली रात कुछ मोटरसाइकिल सवारों ने गांव में आने जाने का रास्ता बंद कर दिया था। वे कैन में पेट्रोल लेकर गांव पहुंचे थे। अमजद नाम के शख्स ने कहा कि ये मोटरसाइकिल सवार तब तक वहीं मंडराते रहे जब तक घर जलकर राख नहीं हो गए और 7 लोगों की मौत नहीं हो गई। अमजद ने कहा, लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे थे, लोगों को डर है कि कहीं दोबारा हमला ना हो जाए। मेरे पास 5 गाय हैं, मैं इन्हें लेकर कहां जाऊं। लॉकडाउन में मेरी नौकरी भी चली गई थी, तब से दूध बेचकर ही घर का खर्च चलाता हूं। सोनाई के घर के पास रहने वाली मर्जीना बीबी ने बताया कि जब वह अस्पताल से घर लौटी तो देखा कि उनका घर जल रहा था और आग तेजी से फैल रही थी। लोग अंदर चीख चिल्ला रहे थे। मुझे पता है कि सोनाई और भादू के बीच में पुरानी दुश्मनी थी, लेकिन दोनों का अंत ऐसा होगा यह अंदाजा भी नहीं था। श्रीलंका की इकोनॉमी का बुरा हाल है। पिछले कुछ महीनों से श्रीलंका की इकोनॉमी लगातार पस्त होती गई है। श्रीलंकाई मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि देश में कागज की कमी हो गई है, जिसके कारण स्कूली किताबों की छपाई में देरी हो सकती है। श्रीलंकाई शैक्षिक प्रकाशन विभाग ने आयुक्त जनरल पी
पीएन इलापेरुमा ने बात की पुष्टि की है। इलापेरुमा ने बताया कि देश में मौजूदा फ्यूल संकट के कारण स्कूलों को छपे हुए किताब के वितरण में भी देरी हो रही है। यूक्रेन से चल रही जंग के बीच रूस ने गूगल को लेकर बड़ा कदम उठाया है। रूस ने जवाबी पलटवार करते हुए युद्ध को लेकर फेक न्यूज फैलाने के आरोप में रूस में गूगल न्यूज सर्विस को बैन कर दिया है। रूस का यह कदम गूगल के उस कदम का जवाब माना जा रहा है जिसमें गूगल ने एप्स और यूट्यूब के लिए रूस में अपने एडवर्टाइजिंग बिजनेस को बंद कर दिया था। दरअसल गूगल न्यूज के खिलाफ यह कार्रवाई रूस ने संचार नियामक ने की है। अल जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि उनके द्वारा अल्फाबेट इंक के गूगल की समाचार एग्रीगेटर सेवा को ब्लॉक किया जा रहा है। नियामक ने आरोप लगाया कि गूगल यूक्रेन में रूसी सैन्य अभियान के बारे में झूठी खबरें बता रहा है। देखते हैं समाचार फिल्मों की। अनुपमा के मेकर्स पर फिर भड़के दर्शक। अनुज कपाड़िया के एक्सीडेंट को दिखाते ही फूट पड़ा गुस्सा। देखते हैं समाचार खेल जगत के। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। शाहीन अफरीदी की गेंद पर डेविड वार्नर क्लीन बोल्ड। दोनों ने पेश की खेल भावना की अनूठी मिसाल। देखते हैं समाचार बाजार के। पेट्रोल और डीजल के बाद अब सीएनजी की कीमतों में इजाफा। आज से बढ़े दाम। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। व्यापक खेती और खाद उर्वरक मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता को बनाए रखने में बहुत मददगार, विश्वविद्यालय के सह निदेशक डॉक्टर विवेक ने कहा। उड़पी के मंदिर मेले में मुसलमानों को नहीं है दुकान लगाने की इजाजत। कर्नाटक पुलिस ने शिमोगा बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या की जाँच NIA को सौंपी। आय से अधिक संपत्ति मामला। विशेष अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट खारिज की। कर्नाटक के मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश। मोदी छाप होगी सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट। दिल्ली में आज फिर चल रहा मंथन। अब वन नेशन वन इलेक्शन की बारी। राज्यसभा में गूंजा मुद्दा। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।